ये माय बॉलीवुड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने वाले ऑफलाइन में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ऑफलाइन क्लास लेने वाले, बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहे हैं अपने आप को और बड़ी लगन और शिद्दत के साथ में ये पढ़ाई कर रहे हैं और इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। तो आज की क्लास में हम देखते हैं कि जो इनमें जूनियर क्लास की जो बच्चे हैं, जूनियर क्लास के बच्चे, उनमें देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस अच्छी है, इसलिए वीडियो मेकिंग की जा रही है और इससे और भी ज़्यादा संख्या है। आज हॉलीडे है जिस वजह से संख्या कम है, लेकिन इसमें बड़े ही टैलेंटेड और अच्छे बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने लगभग इंग्लिश सीख ली है और अपने अपने लेवल के अनुसार, मतलब कोई ज़ीरो लेवल था, कोई बेसिक इंग्लिश से एडवांस लेवल पर आ गया है और ये बड़े बच्चे हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा सीखा हुआ है, काफ़ी इनको नॉलेज भी है। तो इनमें आज देखते हैं छोटे बच्चों में कि इनकी परफॉर्मेंस कितनी प्यारी है। In this sequence, I would like to call Miss Pallabi from class UKG. So Pallabi, please come out and take your specific campaign and tell me about plays. Proud of history and very heritage, I stand always try to be worthy of it. I stand give my parents, teachers and all respect and great appeal with courtesy to my country and my people, my school. I plan most in there will be prosperity, no lies my appeal. Now in this sequence, I would like to call Miss Palak from class 3rd. She is going to recite about a English poem. So Palak, please tell me about your poem. If I were an apple and give you up on a tree, I think I'd fall down on a nice boy like me. I wouldn't stay there giving nobody joy. I'd fall down at one and say to me, my boy. Palak, once again, please tell me about your English poem. If I were an apple and grew up on a tree, I think I'd fall down on a nice boy like me. I wouldn't stay there giving nobody joy. I'd fall down at once and say it to me, my boy. Let's a big clap to Palak. गाइज, इस क्लास में आकर मुझे बड़ी खुशी मिली है कि क्लास की संख्या भी बहुत अच्छी है, इससे भी ज़्यादा लोग हैं और इनमें सीखने की ललक जो है बहुत अच्छी है। और मैंने देखा कि कम से कम जो बड़े लोग बिगिनर्स हैं, जो बड़े बच्चे हैं, जो बड़े लोग हैं, एडल्ट हैं, मैंने देखा उनमें इतनी हिचक पाई जाती है, इतनी हेजिटेशन पाई जाती है कि स्टार्टअप नहीं ले पाते वो लोग। लेकिन बच्चों को देखो, भले ही गलत बोलेंगे सही बोलेंगे, लेकिन कम से कम इनके अंदर वो हौसला जो है वो हौसला कायम है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कम से कम इन बच्चों से आपने कुछ प्रेरणा लिया होगा कि हमें हौसला कायम रखना है और जो हमारा लेवल है, चाहे ABCD हो, चाहे कुछ वर्ड्स हो, चाहे कुछ सेंटेंसेस हो, उनसे आप गलत सलत कुछ भी आप प्रैक्टिस करेंगे और स्टार्टिंग लीजिए, बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि बिना बोले कुछ होने वाला नहीं है। सो मैं चाहता हूँ कि इनको दोबारा कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए और मैं बोलूँगा कि गॉड ब्लेस ऑल दिस चिल्ड्रेन, ठीक है, जो अपना बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं सीखने की दिशा में। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। थैंक यू सो मच।